अस्सलाम वालेकुम, चैनल खाना पकाने में खुश आमदीद। आज मैं जो रेसिपी बना रही हूँ वो है वाइट चिकन कढ़ाई। वाइट चिकन कढ़ाई के लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए, उसमें चिकन मैंने तकरीबन 750 ग्राम चिकन है मेरे पास। इसके अलावा प्याज, दो दरमियानी प्याज को मैंने बिल्कुल कटिंग कर ली है उसकी। इसके अलावा 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, और दही और क्रीम को मैंने मिक्स करके ब्लेंड कर लिया है। इसके अलावा वाइट पेपर है और ब्लैक पेपर है, और थोड़ा सा मैं ज़ीरा पाउडर या साबित ज़ीरा इसमें यूज़ करूँगी, और गरम मसाले में इलायची पाउडर यूज़ करूँगी। अदरक लहसुन को मैं प्याज के साथ फ्राई करूंगी और उसके साथ ही पीस लूंगी। तो आएं चलें स्टार्ट करते हैं। पैन में मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून मैंने घी डाल ली है, और घी डालने के बाद इसमें जो मैंने प्याज की कटिंग की थी वो प्याज मैंने इसमें ऐड कर दिए। इससे मैं थोड़ा सा सॉफ्ट होने के लिए बस इसके अंदर रखूंगी, कवर कर दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। ये देखें प्याज सॉफ्ट हो चुकी है। अब मैं इसे निकाल लूंगी और इसी में चिकन डाल दूंगी। अब इसे घी में मैं ये चिकन ऐड कर दूंगी और इसे चला लूंगी। प्याज, हरी मिर्ची और लहसुन को मैंने निकाल लिया है। अब मैं इसे, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही थी हरी मिर्चों की भी और लहसुन की भी, इसे मैं अभी ग्राइंड कर लूंगी, पीस लूंगी और फिर उसके बाद इसमें ऐड करूंगी। इसको थोड़ी देर के लिए, मैं 2 मिनट के लिए, जब तक मैं प्याज को पीस रही हूँ, मैं इसे कवर कर दूँगी ताकि चिकन फ्राई हो जाए अच्छी तरह से। चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब मैं थोड़ा फ्लेम भी तेज़ कर रही हूँ। ये देखें, मैंने फ्लेम को मीडियम पे कर दिया था ये फ्राई होने के लिए। चिकन को अच्छी तरह से चिकन फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें जो मैंने प्याज और हरी मिर्ची वगैरह पीस के मैं रखी है वो मैं इसमें ऐड करूँगी। इसके अलावा इसमें मसाले भी ऐड करूंगी। ये ज़ीरा पाउडर, वाइट पेपर को मैंने कूट लिया है, पीसा नहीं है, नमक है, और 4 ये छोटी इलायची है, ग्रीन वाली इलायची, और नमक। तो अच्छे से मसाले को मिक्स कर लेंगे इसमें। ये देखो मिर्चें मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक यूज़ किया है। आपको जितना मिर्चों का और नमक का टेस्ट पसंद है आप उस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास ये तेज़ वाली इस वक्त हरी मिर्चें थीं तो मैंने 4 अदद हरी मिर्चें ली हैं। आपके पास जैसी भी हरी मिर्चें हों आप उसी तरह से इसे यूज़ करें। मैं इसको भी लो फ्लेम पर चिकन को और थोड़ा पकने के लिए और मसाला पकने के लिए कवर कर दूंगी। उसके बाद आगे इसमें चीज़ें ऐड करेंगे। ये देखिए चिकन पक चुका है तकरीबन, ये सॉफ्ट है। अब ये देखिए, ये जो मैंने प्याज का पेस्ट इसमें, हरी मिर्चों का पेस्ट यूज़ किया था वो तैयार है। थोड़ा सा मैं फ्लेम को मीडियम पे अप करूंगी और इसमें
दही और क्रीम, ये मैं दोनों का जो मिक्सचर है वो डालूंगी। फ्लेम को थोड़ा हाई भी रखें इस वक्त तो कोई मसला नहीं है, फ्लेम को हाई कर देती हूँ। इसके अलावा इसमें मैं काली मिर्च पाउडर ऐड करूँगी। ये देखो, और अच्छी तरह से इसे भून लेंगे। बहुत क्रीमी ये कढ़ाई बनेगी। अच्छा, क्रीम के लिए मैं बता दूं कि मैंने यहाँ पर फ्रेश क्रीम यूज़ किया है, और फ्रेश क्रीम वो पैकिंग वाली नहीं है, बल्कि घर पे जो मैं खुद ही बना लेती हूँ बलाई से रूप के प्योर क्रीम बनती है वो, तो उसी क्रीम को मैंने यूज़ किया। और आमतौर पर कुकिंग के लिए मैं वही क्रीम यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। देखें, अब ये हमारी कढ़ाई तकरीबन तैयार है। अब मैं इसमें 4-10 ये बड़ी वाली हरी मिर्चें ऐड करूंगी और इसे कवर कर दूंगी लो फ्लेम पर। 5 मिनट के बाद मैं इसे बिल्कुल लो फ्लेम से मैं इसे कवर करूंगी, और 4 से 5 मिनट में मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। तो ये थी आज की रेसिपी, वाइट चिकन कढ़ाई, मज़े की चिकन कढ़ाई गरम नान के साथ। इंजॉय करें और बताएं कि ये चिकन कढ़ाई कैसी लगी आपको। बहुत सिंपल रेसिपी के साथ बहुत जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और एक बात जो कि आप नहीं भूलेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसी ही दूसरी रेसिपी के साथ।